खाना तो हमने बनाया है। तुमने बनाया? पर सारे हलवाई तो चले गए थे ना। हटाओ ये सब। 5 मिनट में मुझे पूरी जगह खाली चाहिए, एक इंसान नहीं दिखना, पूरी जगह साफ चाहिए मुझे। जी, खाना मैंने और लक्ष्य ने बनाया। तुम्हारे पास मैं आज का खाना संभालना, इसीलिए मैंने सारी की सारी जिम्मेदारी सौम्या को दे दी थी। तुम क्या देख रही थी? जब हमने सौम्या जी को परेशान होते हुए देखा कि केटरर्स नहीं आ रहे हैं, हमने बना लिया। गृह प्रवेश पे आपके बॉस, आपके साथ काम करने वाले बिना खाए कैसे जा सकते थे? अनर्थ हो जाता। शाबाश मंगल, तुम सही अर्थ में गृह लक्ष्मी हो, साक्षात अन्नपूर्णा। हमारी तो जान ही निकल गई थी, किसी ने हमारे बेटे की नाक काटने का पूरा इंतजाम कर दिया था। लेकिन बेटा, तुम सही अर्थ में जीवन संगिनी हो। पत्नी धर्म बहुत अच्छी तरह से निभाया तुमने। सक्सेना परिवार की इज्जत रखी, लाज रखी तुमने हमारी, वरना सारे समाज में थू थू हो जाती हमारी। आदित बेटा, सही कहा ना हमने? जी अम्मा, बस उन्हें खाना ठीक लगे। चल गायत्री, हम चल के मेहमानों को देखते हैं। जी माता रानी करे, सब ठीक होगा। वैसे बनाया क्या है तुमने? आलू पूरी, कचौड़ी, छोले, खीर, गुलाब जामुन, यही खिलाना चाहते थे क्या? क्या करूं, बॉस को देसी खाना नहीं खिलाना चाहता था मैं। इंडियन खानों की आदत नहीं है उन्हें, खासकर तेल मसालों की। इंडिया में बहुत कम ही रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने तेल मसाले कम ही डाले हैं। पर इतना खाना बनाया कैसे तुमने? खाना कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, बहुत खाना है, और लोग आ भी जाए तो भी कम नहीं पड़ेगा। मंगल, हम कब से इतने टेंशन में, न जाने कितने कॉल्स कर लिए हमने। तुम दोनों अगर सब कुछ हैंडल करने ही वाले थे तो हमें बता तो देते, जान निकली जा रही थी हमारी। पता है अदित कितनी टेंशन में था पूजा में, हार्ट अटैक आ जाता तो। रहने दो सौम्या जी, हैंडल हो गया ना सब। वैसे हार्ट अटैक तो आ ही गया था, ये सोचकर कि गेस्ट कहीं बिना खाए वापस ना चले जाए। चलो कम से कम अब कुछ तो है हमारी नाक बचाने के लिए। सौम्या जी, आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने कहा था कि डिस्टर्ब मत करो, और आप लोग ट्राई कर रहे थे दूसरी जगह से खाना मंगवाने के लिए। हमने भी ट्राई किया कि समय रहते कुछ रेडी कर दे, आपका खाना आ जाता तो वही परोसा जाता। चलिए अब आप भी खाना खा लीजिए। पल्लो पावली,
देखा कैसे लक्ष्मी ने मंगल का साथ देकर सारी महफिल लूट ली है? इतरा तो घूम रही है और तू यहाँ बैठ कर पनीर पूरी ठूस रही है। जब 100 लोग आते हैं ना तो लड़की को भाप के देखते हैं कितने गुण हैं, घर की गृहस्थी संभालने लायक है या नहीं, और तुझे ऐसे चटोरों की तरह खाते हुए देखेंगे तो एक भी रिश्ता नहीं आएगा, समझी? चल खड़ी हो, मंगल के आगे पीछे घूम, चल जा उसके साथ, चल। मम्मी लोग ना शक्ल सूरत भी देखते हैं, कहां मैं और कहां वो लक्ष्मी, और मुझे लोगों को खाना खिला खिला कर खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे अच्छे से खाने दो, उसको करने दो ना सारी मेहनत, क्या है वो और क्या ही करेगी। तितर सा बना बैठी है, कब अकल आएगी तुझे, और कितनी बड़ी होगी। तो यहाँ खेल रहे हो तुम लोग, पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने। मम्मी तो बस बस, अगर कल कार्तिक चाचू के घर होली खेलने जाना है ना तो जल्दी सोना पड़ेगा, चलो। ये कल हम सुबह सुबह पानी के बलून्स भर लेंगे, पूरे 500 बलून्स लेके जाएंगे कार्तिक चाचू के घर। 500 बलून्स, बाप रे, इतने सारे बलून्स के लिए तो जल्दी उठना पड़ेगा ना, और जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। कल मैं सभी को रंग लगाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, चाचू को, मासी को, छोटी दादी को भी। मम्मी इसको तो कल कंट्रोल में रखना पड़ेगा, वरना ये तो पागल ही हो जाएगा सबके सामने। बस बस, जिसको जितना रंग लगाना है लगा लेना, कोई नहीं रोकेगा, हम भी खूब हल्ला मचाते थे। इतना मजा आता था। मम्मी आप और क्या, चांदनी चौक में सब डरते थे आपकी मम्मा से, होली के दिन होली की रानी कहते थे। मम्मा आप स्टिल लाइफ देखते देखते स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, अपने पुराने दिन याद आ गए थे, होली के दिन तो हम किसी को नहीं छोड़ते थे, सब पे पानी, पिचकारी, गुलाल, कलर, गुब्बारे। रियली मम्मी? बिल्कुल, सबसे ज्यादा मैं ही खेलती थी। सुबह से ही हाथ में रंग लेकर खड़ी हो जाती थी, सबके ऊपर पहला रंग मैं ही लगाती थी। सब बोलते थे भागो होली की रानी आ गई। होली की रानी और आप, लेकिन हमने तो आपको कभी होली खेलते नहीं देखा। हाँ। आप तो हर होली पे सबको खिलाने और पिलाने में ही बिजी रहते हो। मैं बहुत खेलती थी बेटा। हम कैसे मान ले? हाँ, हम तो तभी मानेंगे जब आप पापा को कलर लगाओगे। हाँ मम्मा, आप पापा के साथ होली खेल के दिखाओ। चल के सोना नहीं है क्या तुमको, बातें करते रहोगे, चलो। आप तो होली की रानी हो ही नहीं सकते, आप पापा को कभी कलर नहीं लगाते, आप डरते हो। हाँ मैं डरती नहीं हूँ बेटा आपके पापा से, उनकी इज्जत करती हूँ। होली में तो सबकी मम्मी कलर लगाते हैं, पर आप क्यों नहीं लगा रहे हो? हाँ मम्मा लगाइए ना, आपके लिए चैलेंज है, आपको पापा को कलर लगाना होगा। मेरे बच्चे ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं आदित्य से डरती हूँ? ऐसा नहीं है, कल मुझे आदित्य पे कलर लगाना ही होगा। तुम्हारे पापा पे सबसे पहला रंग तुम्हारी मम्मा ही डालेगी, देख लेना। रियली मम्मी?